हरिद्वार के रोशनाबाद में नवोदय नगर के समीप कुष्ठ आश्रम बनने से स्थानीय लोगों का विरोध बढ़ गया है। क्षेत्र की घनी बस्ती के बीच कुष्ठ आश्रम शासन और प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोग स्थानीय सांसद विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई है। समस्या जस की तस बनी हुई है। कुष्ठ आश्रम का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। सभी क्षेत्रवासियों ने कुष्ठ आश्रम के स्थानांतरण के लिए कार्मिक अनशन शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि जब तक इसके स्थानांतरण का स्थायी स्थानांतरण पत्र हमें प्राप्त नहीं हो जाता, हमारा अनशन जारी रहेगा। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। नगर विकास संघर्ष समिति कुष्ठ आश्रम को लेकर लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधि, भाजपा के जो विधायक हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कई लोगों से उन लोगों ने वार्ता की हमारे प्रतिनिधिमंडल ने, मगर उन्होंने कोरा आश्वासन दिया है। अब कोरा आश्वासन कब तक बर्दाश्त करेंगे? सब लोग पढ़े लिखे हैं, जनता नवोदय नगरवासी, जो यहाँ नवोदय नगर की जनता है शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, वो समझती है। इसलिए अब मजबूर होकर हम सब लोगों ने जो नवोदय नगर संघर्ष समिति द्वारा इस कर्मिक अनशन का आयोजन किया गया, इसके पीछे सर्वविदित है कि जो कुष्ठ रोग आश्रम यहाँ पर स्थापित सरकार की सहमति से किया जा रहा है, उसके विरोध में यहाँ पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन आज नहीं, पिछले डेढ़ माह पूर्व भी जबरदस्त धरने के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ के निवासियों ने किया था। और मांग है, वो कोई मांग नहीं है कि हम शासन से और प्रशासन से हमने यही कहा है कि ये कुष्ठ आश्रम का हम सम्मान करते हैं, कुष्ठ रोगी का सम्मान करते हैं, हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनका जो आश्रम है स्वच्छ जगह में, जहाँ वृक्षों के काफ़ी घना जंगल हो, ऐसे उसमें बसाया जाए जिससे कि इनके कीटाणु जो हैं दूर ना जाएं। और यहाँ पर एक घनी बस्ती है, 2 लाख की सराउंडिंग आबादी है चारों तरफ,